गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप लोगों को बाबू पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था? क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पिछले क्लास में आप लोगों को क्या पढ़ाया था बाबू? क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाया था। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बाबू, वो देखिए, उसके बाद स्फेरिकल लेंस पढ़ा रहे थे, तो स्फेरिकल लेंस में आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर द सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। इट इज डिनोटेड बाय सी आर ओ, इट इज डिनोटेड बाय सी आर ओ। ऑप्टिकल सेंटर को क्या चीज से डिनोट किया जाता है बाबू? सी आर ओ से डिनोट किया जाता है। ये क्या ऑप्टिकल सेंटर वो है? तो ऑप्टिकल सेंटर को ओ से ऑप्टिकल सेंटर, ओ को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अगला जो पॉइंट है बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बाबू? द सेंटर ऑफ द स्फेयर हुज पार्ट इज द लेंस, हुज पार्ट इज द लेंस सरफेस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद क्या आता है बाबू? प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए इज इंसिडेंट इज इंसिडेंट ऑन ए लेंस, अगर हम ऑन ए लेंस इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा बाबू? द रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, द रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज और डाइवर्ज कन्वर्ज होता है और डाइवर्ज होता है बाबू। द रे आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, लेंस के द्वारा कर दो, थ्रू द लेंस कन्वर्ज और डाइवर्ज
डाई क्या होता है, कन्वर्ज भी होता है और डाइवर्ज होता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्स, दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, क्या कहलाता है बाबू, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए बाबू डायग्राम बना लीजिए, कन्वर्ज और डाइवर्ज क्या कहता है कि जो रे ऑफ लाइट अगर हम लेंस पे अगर इंसिडेंट कराते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल होती है तो क्या होती है, एक पॉइंट पे क्या होती है, मिट करती है, और उस पॉइंट के मिट करने के बाद क्या था, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बताया बाबू, यहां फिगर बना लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का, भूल गए थे, ये आपका जो फिगर होगा बाबू सेंटर ऑफ कर्वेचर का फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, अब देखो इसका सेंटर और इसका सेंटर, और ये सेंटर पॉइंट वो हो गया बाबू, ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 होगा, C1 C2 क्या हो गया आपका सेंटर पॉइंट, इसको चलो C1 C2 क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया बाबू। अब चलो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बाबू, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके फिगर के बारे में डिस्कस करते हैं, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो देखिए बाबू ये आपका लेंस हुआ, ऑप्टिकल सेंटर ओ हो गया बाबू। अब बताइए हम क्या करते हैं, मान लीजिए अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस ही है एक्स डैश और एक्स क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है बाबू। अब बताओ ये रे ऑफ लाइट जिस पॉइंट पर आके मिट करती है प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या कहलाती है, फोकस, और ये इसका क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, इसको हम 2f, सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को नग रिप्रेजेंट करो, ये क्या हो गया बाबू, ये आपका कन्वर्जिंग हो गया, क्या हो गया ये कन्वर्ज कर रहा है फर्स्ट फिगर में, या डाइवर्ज हम बोले थे। अब मान लो कि कोई कॉन्वेक्स लेंस था, ये आपका कौन सा लेंस है, अगर ये आपका लेंस कॉनकेव लेंस है तो इसका सेंटर पॉइंट ओ हो गया बाबू, अगर रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ध्यान रखिएगा जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है यो हो गया, वो मान ली ऑप्टिकल सेंटर को, तो क्या करेगी
ये रिफ्रैक्ट करेगी, तो ये जो जहां पे ए इमेजिनरी लाइंस आके मीट करेंगे, जिस पॉइंट पर इमेजिनरी लाइंस मीट करेंगे, डैट लाइन डैट पॉइंट आर नोन एज एफ, ये पॉइंट होगा ये फोकस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। कोई दिक्कत? ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस एक्स और एक्स डैश क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और इसका क्या हो गया? तो एक हो गया डाइवर्ज होता है। क्या होता है बाबू? डाइवर्ज। तो या तो कन्वर्ज होगी या तो डाइवर्ज होगी। डाइवर्ज का मतलब स्प्रेड हो रहा है, कन्वर्ज का मतलब ऑल लाइट कमिंग फ्रॉम ओनली वन पॉइंट। इसे क्या कहते हैं बाबू? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब फोकल लेंथ क्या होता है बाबू, या प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी लाइंस joining the center of curvature of the lens, center of curvature of the two spherical lens, कौन सा lens? दो स्फेरिकल लेंस लेते हैं, या टू स्फेरिकल सरफेस कर दो, लेंस नहीं सरफेस, टू स्फेरिकल सरफेस आर नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, आर नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस क्या क्या कहलाएगा? मान लीजिए कि बाबू ये आपका क्या हुआ, लेंस हुआ, और ये जो इमेजिनरी लाइंस है, इस इमेजिनरी लाइंस को क्या कहेंगे? ये आपका मान लो कि C1 हो गया और ये आपका C2 हो गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा ये लाइंस। इसको एक्स डैश नाम देंगे और एक्स नाम देंगे, आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। अब देखो अब फोकल लेंथ क्या होता है, अगला पॉइंट है बाबू फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? तो देखो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। क्या कहलाता है? फोकल लेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? फोकल लेंथ कहलाता है। जैसे देखिए बाबू, मान लीजिए कि आपका लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका क्या हो गया? फोकस हो गया। क्यों? क्योंकि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो कहां से क्रॉस करती है बाबू? वो फोकस से क्रॉस करती है। वह रे कहां से क्रॉस करती है? देखिए
ये सभी के सभी रे कहां से क्रॉस करेंगे? फोकस से। तो ऑप्टिकल सेंटर, और इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेफ्ट, इसे हम स्मॉल और स्मॉल लेफ्ट से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। यही आपको पढ़ाया गया था कहा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। कोई दिक्कत? अगर आप पॉइंट देके लिखिए। रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म का है कॉन्वेक्स लेंस। रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है उसका क्या होता है बाबू? रूल होता है। तो रूल क्या होता है? बुरारी खाना खाने तभी उनको बैठने को होता है। तू नहा खा कब आएगा? इनको बैठने कौन है? था करो हमें गेट पर लगा दो खाली ना। हम कर देंगे बात। क्या आज कर दीजिएगा भैया? आइए ना, थोड़ा सा घूम का ही रहा होगा, आ जाएगा। ना ना ना, खाना खाने गया, मेरे साथ जाएगा। वो तो बिजी रहा थी पापा। ये लाइन के साथ तो रखने नजर आ गया। एरिया ऑफ लाइट वो कटी ना है। पैरेलल टू द एरिया ऑफ लाइट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एरिया ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पासेज थ्रू द फोकस। After refraction, after refraction, refraction के बाद क्या होता है बाबू? फोकस पे आके मिट करता है। ये आपका x हो गया बाबू, x डैश हो गया। अब मान लो कि ऑप्टिकल सेंटर वो है, देखिए फोकस, फोकस कहां से पास करेगा? फोकस से क्रॉस करेगा। कहां से क्रॉस करेगा? पासेज थ्रू द फोकस। रूल टू क्या कहता है बाबू? अगर एरिया ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, एरिया ऑफ लाइट पासेस थ्रू द रिकॉर्ड तोड़ दी है ऑप्टिकल सेंटर। दीदी आ गई, ऑप्टिकल सेंटर से आएगा। अगर तुम आ गया जहां ना बोला कि हम आ गई थी, वो
goes straight after refraction. रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा. ये आपका क्या हो गया छोटी, कॉन्वेक्स लेंस. देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है बाबू, ये ऑप्टिकल सेंटर है. अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक और इसका फोकस हुआ, ये आपका क्या हुआ, फोकस हुआ. अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट, कहाँ चला जाता है लाइट, इसको ये मान लीजिए, बी मान लीजिए, ये आपका स्ट्रेट चला जाता है. रूल थर्ड क्या कहता है बाबू, ध्यान रखिए, रूल थर्ड में क्या है, रूल थर्ड क्या कहता है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां से बाबू, या पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस. अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से क्रॉस करती है, बिकम्स पैरेलल, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है, पैरेलल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है. ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया बाबू, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, एफ डैश टू एफ डैश, एफ और टू एफ. तो ये एरे ऑफ लाइट अगर जो रे ऑफ लाइट फोकस से क्रॉस करती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. तो रे क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. अगर ए रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, फोकस से पास करेगा तो चलिए बाबू, अब